मैं अगले वक्तव्य के लिए मैं अभी अभय जी से थोड़ा अनुरोध करूंगा कि विमल वो अभी राय जी, थोड़ा ज्योति रुक जी जाए। जुड़ मैं गए हैं, हम लोगों से कनेक्ट हो गए हैं विमल राय साहब। डॉक्टर रतन लाल जी को आमंत्रित करूंगा अगले वक्तव्य के लिए। डॉक्टर रतन लाल जी दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में इतिहास विभाग में प्रोफेसर हैं और वो बहुत सारे सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलनों में बहुत ही सक्रिय रहे हैं और बहुत बेबाकी से अपनी बात वो रखते रहे हैं, खास तौर से जो समाज में कई तरह की जो विषमताएं हैं और स्त्रियों के मसले जो हैं या जो जातीय दुराग्रह हैं उनको लेकर के उन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रखी है। रतनलाल जी की कई पुस्तकें चर्चित रही हैं। अभी एक पुस्तक जो उन्होंने काशी प्रसाद जायसवाल पर, उनकी जो पुस्तक है द मेकिंग ऑफ ए नेशनलिस्ट हिस्टोरियन, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। और अभी एक पुस्तक जो वो संपादित कर रहे हैं सदन में शरद यादव, मुझे लग रहा है कि वो अभी हाल में आ जाएगी हम लोगों के सामने। मैं जिसको कहते हैं मुक्तिबोध के शब्दों में कहूं कि अभिव्यक्ति के तमाम सारे खतरे उठाते हुए डॉक्टर रतन लाल लगातार अपनी बात सामने रखते रहे हैं और बहुत जोरदार तरीके से और बहुत प्रखरता के साथ अपनी बात रखते रहे हैं। मैं अगले वक्तव्य के लिए डॉक्टर रतन लाल जी को आमंत्रित कर रहा हूं। तो शुक्रिया सर, और सबसे पहले रिपब्लिक डे की बधाई। और आपने मुझे प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन पे बोलने के लिए बुलाया, और वैसे लर्नेड स्कॉलर्स एंड स्पीकर्स के बीच में फैजान साहब हैं, अभय जी हैं, शिवा जी हैं, तमाम लोग हैं। और फैजान साहब के बोलने के बाद तो हम लोग को लगता है क्या बोलने, अब तो सारा सारी बातें आ ही गई। फिलहाल देश में जो हालात हैं अभी, और जो हालत जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज हैं या डेमोक्रेटिक बॉडीज हैं उसकी अभी है, और पिछले खास तौर से पिछले 6 सालों में जिस तरह से हमने देखा है, और फैजान साहब ने जितने सवाल उठाए हैं और इशारा उन्होंने किया है संविधान को लेकर, मुझे लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर के दो भाषण हैं, वो दोनों भाषण कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दिए गए हैं। समय का अभाव है, मैं दो भाषण के बारे में कुछ लाइन वहां से उठाकर कहना चाहता था। और शायद आज जो देश में हो रहा है, चाहे डॉक्टर अंबेडकर के जमाने से अब तक जो होता रहा है, उसका संकेत जो है डॉक्टर अंबेडकर ने अपने उन भाषणों में किया है। तो मैं सोच रहा था कि दोनों भाषण की कुछ पंक्तियां आपसे साझा करूं, लेकिन समय का अभाव है, इसलिए मैं जो 25 नवंबर 1949 का जो भाषण है, जब संविधान वो देश को सौंप रहे थे, उसके बारे में काफी चर्चा हो चुकी है, लोग जानते भी हैं, उससे भी कुछ कहना चाह रहा था। लेकिन फिलहाल देखता हूं, अगर वक्त होगा तो एक आध कोट वहां से दूंगा, नहीं तो उससे पहले का एक महत्वपूर्ण भाषण है जो कि 4 नवंबर 1948 का, वो भी संविधान सभा के समक्ष दिया गया लंबा भाषण है डॉक्टर अम्बेडकर का। उसकी कुछ बातें मैं आपसे साझा करूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो घटनाएं जो घट रही हैं उसका इशारा संकेत डॉक्टर अंबेडकर ने काफी पहले 1948 4 नवंबर को उसी भाषण में किया था। हम सब जानते हैं कि 29 अगस्त 1947 को जो 7 मेंबर ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, और अगले ही दिन यूनानिमसली डॉक्टर अंबेडकर को जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसका चेयरमैन बना दिया गया था, और उसी दिन से डॉक्टर अंबेडकर ने कार्यभार संभाला था। 21 फरवरी 1948 को उन्होंने एक चिट्ठी लिखा, और चिट्ठी लिख के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो नया संविधान था उसकी कॉपी उन्होंने दी थी। और 26 फरवरी 1948 को वो संविधान गजट में पब्लिश हुआ पब्लिक रिएक्शन के लिए, कि इसमें जिनको जो स्टेक होल्डर्स हैं जो चाहें जो कहना चाहें बोलना चाहें वो कह सकते हैं। तकरीबन 8 महीने तक वो पब्लिक डोमेन में रहा, और उसमें कई तरह की प्रतिक्रियाएं आई, कई तरह की आलोचना प्रतिक्रिया, तमाम वो प्रतिक्रियाएं थी। तो उसी प्रतिक्रिया का जवाब डॉक्टर अंबेडकर ने 4 नवंबर, तकरीबन 15-20 पेज का वो भाषण है, और मैं कल ढूंढ के मैंने इसको निकाला है, उसी के कुछ अंश आपके सामने मैं साझा करूंगा, और उससे आप इस समझ सकते हैं कि आज जो हालात है उसका इशारा उन्होंने उस समय किया था। तो 4 नवंबर का भाषण का जो इम्पोर्टेंस है वो पहले मैं वो बात कह देता हूं कि ये बहुत ही असाधारण महत्व का है भारत के इतिहास में, और इस भाषण के कारण ही
संविधान सभा के ज्यादातर सदस्यों ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रशंसा यह कहकर की थी कि वह प्रकांड पंडित, संविधान निर्माण के शिल्पकार, संविधान के बारे में पूरे अधिकार के साथ कमेंट्री भाष्य करने वाले, गहन अध्येता काबिलियत और काबिलियत रखने वाले हैं। कई टिप्पणियां थी लेकिन उसमें से एक टिप्पणी जो है वो बहुत ही सार गर्भित है और लोग कहते हैं कि अंबेडकर ने संविधान अकेले थोड़ी बनाया और तमाम इस तरह की आलोचनाएं होती हैं। तो उसमें एक टिप्पणी थी टीटी कृष्णम्माचारी की और वो मुझे लगा कि वो सारगर्भित है और वो साझा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, वही बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो कहते हैं कि सदन को एहसास होगा कि आपके द्वारा नियुक्त किए गए 7 सदस्य में एक सदस्य ने इस्तीफा दे दिया, उनकी जगह अन्य की नियुक्ति की गई, एक सदस्य की मृत्यु हो गई लेकिन उस पद को नहीं भरा गया, एक सदस्य अमेरिका में थे उसकी जगह किसी को नहीं दी, एक सदस्य रियासत के कामों में उलझे थे इसलिए उनकी जगह भी खाली, एक या दो सदस्य दिल्ली से काफी दूर रहा करते थे और उनकी सेहत ठीक नहीं थी इसलिए वह भी उपस्थित नहीं हो पा रहे थे। तो अंततः संविधान बनाने की पूरी जिम्मेदारी डॉक्टर अंबेडकर पर आई। उन्होंने यह काम पूरी जिम्मेदारी के साथ सफलतापूर्वक किया। उनका यह कार्य प्रशंसनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं, हम सब उनके कृतज्ञ हैं। ये बात है और इस भाषण को पूरा आप देखेंगे तो पूरा एक कॉम्परेटिव एनालिसिस है दुनिया के संविधानों के साथ और जो फेडरल स्ट्रक्चर जो भारत में है, अमेरिका में है, तो तमाम उसकी भी एक कॉम्परेटिव एनालिसिस है, इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, ऑस्ट्रिया के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, स्विट्जरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, और इसके साथ साथ भारत में जो 3 बॉडी जो बनाए गए उसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। और लार्जली ये डॉक्टर अंबेडकर की जो तीखी आलोचना हुई थी उसका एक तरह से ये पूरा लेक्चर उत्तर है। तो मैं सभी बातों में नहीं जाऊंगा लेकिन 2-3 जो हाइलाइट्स हैं जो हमारे आम जन जन गण मन, टेक्निकल बातें फैजान साहब सब जानते हैं और बहुत सारी बातें उन्होंने लेक्चर में कह दी हैं लेकिन जनता के दृष्टिकोण से उसमें क्या खास खास बातें थी वो कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा डॉक्टर अंबेडकर ने इस भाषण में कि मसौदा समिति ड्राफ्टिंग कमिटी द्वारा निर्माण किया गया संविधान का मसौदा एक असाधारण दस्तावेज है, इसमें 315 अनुच्छेद और 4 परिशिष्टों का समावेश है। संविधान का यह मसौदा अन्य किसी देश के संविधान की तुलना में अधिक विस्तृत है, यह मानना पड़ेगा। जिन्होंने इसे पढ़ा नहीं है उन्हें इसकी महत्वपूर्ण और विशेष खासियतों का पता नहीं है। संविधान का यह मसौदा 8 महीने तक लोगों को पढ़ने के लिए उपलब्ध था, मित्र, समीक्षक और विरोधियों के लिए इसके प्रावधानों पर प्रतिक्रिया प्रकट करने के लिए यह समय काफी था। इनमें कुछ प्रतिक्रियाएं अनुच्छेदों का अर्थ न समझने के कारण व्यक्त की गई हैं, कुछ लोग नहीं समझ रहे थे फिर भी बोल रहे थे, ऐसा मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं। जो भी हो, आपत्ति उठाई जा रही है तो उसका जवाब देना पड़ेगा। ये तो पूरा आपत्तियों का जवाब है एक तरह का अंबेडकर का ये भाषण। तो ये पूरा 2-3 बात इसमें और मैं छोटे छोटे बातें हैं जो आपके सामने रखना चाहता हूं। एक तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि उन्होंने कहा कि कहा जाता है कि जो ड्राफ्ट ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें नया कुछ भी नहीं है, इसका आधा हिस्सा भारत सरकार कानून गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है और बचा हुआ आधा हिस्सा अन्य देशों के संविधान से उठाया गया। मसौदा समिति का अपना योगदान जो है बहुत कम है, इसका जवाब बहुत बेहतरीन है और जिनको भी जवाब देखना है ये लेक्चर उनको जरूर देखना चाहिए। उन्होंने पूरा बकायदा दिया है कि भाई जो दुनिया भर में जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन बन रहे हैं तो फंडामेंटल बातों में सब सहमति हो चुकी है और नया क्या हो सकता है, तो ये पूरा उन्होंने भाषण में बताया कि संविधान में नया क्या है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट वो बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि जनतांत्रिक संविधान को शांतिपूर्ण तरीके से लागू करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की प्रचार की जरूरत है, ऐसा हर कोई मानता है, लेकिन
उसके साथ जुड़ी दो अन्य बातों बातों को दुर्भाग्य से नहीं माना जाता है। इंपॉर्टेंट बात, पहली बात है कि प्रशासन के स्वरूप की संविधान के स्वरूप के साथ घनिष्ठ संबंध बैठाना जरूरी होता है, घनिष्ठ संबंध बैठाना जरूरी होता है। दूसरी बात यह है कि संविधान के स्वरूप में बदलाव किए बिना केवल प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव कर उसके द्वारा संविधान को प्रभावहीन किया जा सकता है, संविधान को अमल करने की राह में बाधाएं उत्पन्न की जा सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बात हो रही है कि संविधान कुछ नहीं होगा, लेकिन जितने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म सब आ रहे हैं, जितने बिल्स आ रहे हैं, अल्टीमेटली वो धीरे धीरे संविधान के अंदर के जो पन्ने हैं, जो प्रोविजन है, उसको फाड़ के वो फेंक रहे हैं, और ये इशारा इस भाषण में है। आगे वो कहते हैं कि नैतिकता सहज भावना नहीं है, उनको पालना पोसना पड़ता है। हमारे लोगों के बीच अभी वह भावना पैदा नहीं हुई है, हमें यह सीखना होगा। भारतीय लोकतंत्र भारतीय मिट्टी का केवल ऊपरी आवरण है। यह मिट्टी मूलतः अलोकतांत्रिक है, अनडेमोक्रेटिक है। तो भारत की जो मिट्टी है वो अनडेमोक्रेटिक है। इसके बाद थोड़ा सा ग्राम पंचायत के बारे में बहुत हंगामा हुआ था कि यहाँ जो प्रोविजन किया गया है ग्राम पंचायत को इग्नोर किया गया है, और तमाम इस तरह की बातें, हिंदू राज व्यवस्था की बात होनी चाहिए थी, जो कि काशी प्रसाद जायसवाल ने हिंदू पॉलिटी किताब भी उस समय लिखा था, वो किताब बहुत चर्चे में थी। तो बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे वो कह रहे थे प्राचीन हिंदू राज व्यवस्था के हिसाब से ये बनना चाहिए था। तो उसका जो है पूरा जवाब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है, वो बहुत दिलचस्प है, इसलिए मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि सदियों से यहाँ पे लगातार आक्रमण होते रहे और मेटका को यहाँ उद्धृत करते हैं और कहते हैं कि ग्राम समुदाय लगातार बने रहे। तो इस संदर्भ में कहते हैं कि शत्रुओं की सेना वहां से गुजर जाती थी, लेकिन इन ग्राम समुदायों ने कभी उनको चुनौती नहीं दी, अपने मवेशियों के साथ घर में बंद हो जाते थे। यह जानने के बाद कि पूरा इतिहास एक लंबा समय गुलामी का इतिहास है, तो इस ग्राम समुदाय के बारे में हम गर्व क्यों करें? यह वास्तविकता हो सकती है कि वे सभी तरह के संकटों से बचते चले आए हैं, लेकिन केवल जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है। किस स्तर का जीवन जिया है यह महत्वपूर्ण है। निश्चय ही उन्होंने केवल निम्न स्तर का जीवन जिया है, और इन ग्राम राज्यों के कारण ही भारत का नाश हुआ है, ऐसा मैं समझता हूं। गांव क्या है? केवल स्थानीयता के कुंड, अज्ञानता की गुफा, संकुचित मानसिकता और जातिवाद। इसलिए जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ने गांव को नकारा और व्यक्ति को घटक माना, इसकी मुझे खुशी है। जो फैजान साहब कह रहे थे कि इंडिविजुअल डिग्निटी के बाद, तो ये इंपॉर्टेंट बात वो कह रहे थे। और इसमें एक जो और जो इंपॉर्टेंट बात है वो है माइनॉरिटी के क्वेश्चन को, इसलिए मैं पॉइंट हाईलाइट करना चाह रहा हूं यहाँ पे कि माइनॉरिटी के बारे में जो कहा है, दो चार मिनट लूंगा, वो बात आपके सामने रखना आज के हालात में बहुत जरूरी है। इस भाषण में उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों को दी गई छूट के प्रबंधों के कारण भी मसौदा संविधान ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन की आलोचना की जा रही। इसके लिए जो ड्राफ्टिंग कमिटी जिम्मेदार नहीं है, संविधान सभा द्वारा लिए गए निर्णयों पर वह अमल करती है। अल्पसंख्यकों को सहूलियत देने का जो निर्णय संविधान सभा द्वारा लिया गया है और जिस पर अमल किया जा रहा है, मेरी राय में वह सही है। इस बारे में मेरे मन में बिल्कुल संदेह नहीं है। इस देश में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों ने गलत मार्ग अपनाया है। अल्पसंख्यकों के अस्तित्व को नकारना बहुसंख्यकों की गलती है, और अल्पसंख्यकों द्वारा अपने अल्पसंख्यक बात को सीने से लगाए रखना, उसे चिरस्थायी परमानेंट बनाने की कोशिश करना भी उतना ही गलत है। दोनों उद्देश्य साध्य हो सके ऐसे उपाय ढूंढना जरूरी है।
इस दिशा में आगे बढ़ने की शुरुआत के तौर पर अल्पसंख्यकों का अस्तित्व मानना ही होगा। कोशिश यह भी की जानी चाहिए कि किसी समय अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक एक रूप हो, वो डिफरेंस मिट जाए। संविधान सभा द्वारा सुझाए गए उपायों का स्वागत होना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा बताए गए उपायों से ही यह दोहरा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। धर्मांधता की भावना को बल देकर अल्पसंख्यकों को दी जा रही सहूलियतों का विरोध करने वालों को मैं दो बात बताना चाहता हूं। पहली बात यह है कि अल्पसंख्यक विस्फोटक शक्ति है, उसका विस्फोट होने से पूरे राज्य के बिखर जाने का खतरा होता है। यूरोप का इतिहास इसी प्रकार की भरपूर और भयानक वास्तविक घटनाओं का प्रत्यक्ष गवाह है। दूसरी बात यह है कि भारत के अल्पसंख्यकों ने अपने अस्तित्व को बहुसंख्यकों के हाथ में सौंपना स्वीकार किया है। आयरलैंड का यहां उदाहरण देते हैं डॉक्टर अंबेडकर, और कहते हैं कि आयरलैंड का विभाजन टालने के लिए जो लेन देन किया गया था, उसमें रेमंड ने कार्सन से कहा कि प्रोटेस्टेंट अल्पसंख्यकों के लिए आपको जो चाहिए उन सहूलियतों की मांग कीजिए, लेकिन आयरलैंड को एक रहने दीजिए। तब कार्सन ने उन्हें जवाब दिया था कि आपके द्वारा दी जाने वाली सहूलियतें, जो सहूलियत है उसको चूल्हे में फेंकिए, हमें यह बिल्कुल मंजूर नहीं कि आप हम पर राज करें। भारत के किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय ने ऐसी भूमिका नहीं निभाई, भारत के किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय ने ऐसी भूमिका नहीं निभाई और उन्होंने बहुसंख्यकों के राज को स्वीकार किया। इसलिए अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभाव न करना इनका कर्तव्य है, इसका एहसास बहुजनों को रखना पड़ेगा। अल्पसंख्यकवाद टिका रहे या मिट जाए, एक सार हो, यह बहुसंख्यकों के बर्ताव पर निर्भर करेगा। अल्पसंख्यकों के विरोध में भेदभाव की आदत बहुसंख्यक जिस समय छोड़ देंगे, अल्पसंख्यकों के अस्तित्व का कोई कारण नहीं बचेगा, वे एक सार हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट बात थी। और अंतिम में चलते चलते, बिकॉज समय का अभाव है, मुझे लगता है 15 मिनट से ज्यादा मैंने ले लिया, जो सेंट्रलाइजेशन की बात कह रहे थे फैजान साहब, उन्होंने इशारा यहाँ किया है कि सेंट्रलाइजेशन जो पावर का केंद्रीकरण है वो दुनिया भर में नहीं रुकेगा, दुनिया भर में चलेगा, ये बात कह रहे हैं। लेकिन वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमें इसका लगातार विरोध करना चाहिए। और अंतिम जो मैं बात ये कहना चाह रहा हूं कि जो कह रहे हैं, जो कंक्लूड कर रहे हैं इस भाषण में, मुझे विश्वास है कि मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग कमिटी द्वारा किए गए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पर उठाई गई सभी आपत्तियों का मैंने यथोचित जवाब दिया है। मसौदा समिति द्वारा बनाए गए संविधान को स्वीकार करना है अथवा नहीं, या मंजूर करने से पहले उसमें कुछ बदलाव करने हैं, यह संविधान सभा को तय करना है। और अंत में जो कंक्लूजन है वो बेहतरीन है, और जिसकी चर्चा 25 नवंबर 1949 के भाषण में भी डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है, वो मैं खाली 2 लाइन पढ़ के उसके बाद खत्म करता हूं। कहते हैं कि कोई भी संविधान परिपूर्ण नहीं होता, और मसौदा संविधान अधिक अच्छा करने के उद्देश्य से जो ड्राफ्टिंग कमिटी है खुद कुछ सुझाव देना चाहते हैं, सुधार का सुझाव रखने वाली है। लेकिन प्रांतीय विधानसभा में हुई चर्चा से मुझे यह कहने का साहस दिया है कि मसौदा समिति द्वारा तैयार किया गया संविधान शुरुआत के तौर पर इस देश के लिए निश्चित रूप से अच्छा है। शुरुआत के तौर पर इस देश के लिए निश्चित रूप से अच्छा है। मेरी राय में वह व्यवहारिक है, लचीला है, और देश की शांति और युद्ध जनित स्थितियों में एक सूत्र में बांधे रखने के लिए समर्थ है। मैं कह सकता हूं कि सचमुच नए संविधान के अंतर्गत अगर कुछ गलतियां रह गई तो उसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान गलत है, बल्कि हमें यह कहना पड़ेगा कि इंसान ही धूर्त है, इंसान ही धूर्त है। अर्थात संविधान असफल होता है उसकी जिम्मेदारी संविधान की नहीं, मनुष्य की धूर्तता पे है। और यही बात 25 नवंबर 1949 के भाषण में
डॉक्टर अंबेडकर ने दोहराया था कि कोई भी संविधान अच्छा या बुरा नहीं होता, संविधान लागू करने वाले लोगों के प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि व्यक्ति अच्छा हो तो बुरा संविधान भी अच्छा होगा, व्यक्ति अगर बुरा हो तो अच्छा संविधान भी बुरा होगा। इस कसौटी पर मुझे लगता है कि अंबेडकर के दोनों भाषण आज के समय बहुत ही प्रासंगिक है और इसको हर लोगों को पढ़ना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। शुक्रिया सर, और शुक्रिया आपने अवसर दिया मुझे अपनी बात रखेगा। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रतनलाल जी। आपने अंबेडकर के डॉक्टर अंबेडकर के महत्वपूर्ण भाषण के अंशों के माध्यम से आज के दौर के जो हमारे सामने चुनौतियां हैं उन पर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें रखी हैं। और मुझे सर, ध्यान आ रहा है अंबेडकर का एक एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना मैं भूल गया। जी जी बोले बोले, मेरा एक यूट्यूब चैनल है अंबेडकर नामा, जी जिसे जी अंबेडकर साहब को पढ़ के मैं उसको रोज उसमें डिस्क्रिप्शन सब डालता हूँ। हाँ नहीं, मैं थैंक यू, जरूर स्वागत है, स्वागत है, उल्लेख से करना चाह रहा था जरूर। क्योंकि जैसा कि फैजान साहब भी आजकल वो लीगल अवेयरनेस पर उनका बहुत महत्वपूर्ण एक आता है कार्यक्रम फैजान साहब कर रहे हैं उसको, वैसे ही आपका भी है अंबेडकर नामा, जो ये जो सोशल मीडिया है इस पर सारे लोग देखते हैं उसको, अंबेडकर नामा को। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था एक बहुत छोटा सा वाक्य है कि वे इतिहास नहीं बना सकते जो इतिहास भूल जाते हैं, और आजकल जो कोशिशें हैं वो तो जबरन इतिहास को भुलाने की क्या पलटने की चल रही हैं, तो बहुत संकट का समय है। डॉक्टर अंबेडकर का एक और छोटा सा वाक्य है जो आज के संदर्भों में खास तौर से जो आंदोलन है हमारे इस समय हो रहा है आज 26 जनवरी को, जैसा कि हम सब उसके गवाह हैं जो परिस्थितियां हैं कि गणतंत्र की जो शोभा यात्रा सुबह निकलती है वो किन लोगों के लिए है, और दोपहर के बाद की जो एक बड़ा जो आंदोलन है और एक जो बड़ा मार्च है, तो उस सुबह की शोभा यात्रा का कोई औचित्य नहीं रह जाता। अंबेडकर ने कहा था कि केवल मतदाता होना पर्याप्त नहीं है, कानून का निर्माता होना आवश्यक है, अन्यथा जो कानून के निर्माता होंगे वे उन लोगों पर शासन करेंगे जो केवल निर्वाचक हैं। आज की जो हालात हैं हम देख रहे हैं,